दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल है तो इसे अंत तक जरूर देखना क्योंकि जवान ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिस्ट्री मेकिंग परफॉर्मेंस देकर अनबीटेबल रिकॉर्ड सेट किए हैं। बाय गॉड पहले तो पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ा है और सिर्फ तोड़ा ही नहीं है न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करे हैं सेट किए हैं और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड सेट किए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था क्योंकि बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा की कोई भी मूवी होगी इतनी बड़ी कलेक्शन इतनी बड़ी विजन कोई रख ही नहीं पाया कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो जवान ने ना कि सिर्फ विजन रखा बल्कि वहाँ तक पहुँच के एक नया रिकॉर्ड सेट किया है क्रिएट किया है। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, जवान की डे 22 की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है मेकर्स की तरफ से जिसमें कल पूरे दिन मतलब 22वें दिन में एंड ऑफ द डे तक हिंदी से कमाई करी है 5.81 करोड़, इट मींस ये कि 6 करोड़ ही मान के चलो मोटा मोटा। तमिल तेलुगु से 16 लाख का ही कलेक्शन आया और इसका कारण यह भी है कि जवान साउथ में अब टिक नहीं पाएगी। क्यों नहीं टिक पाएगी? क्योंकि रामपुथी नेनी की स्कंदा मूवी मोस्ट मच अवेटेड मूवी कल रिलीज हो चुकी है तो पूरे साउथ बेल्ट में झंडा गाड़ रही है ये मूवी और इस बीच कोई भी हिंदी मूवी अब वहाँ चल ही नहीं सकती। ये चीज़ मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि बॉलीवुड की कोई भी मूवी साउथ में इतना ज़्यादा फुटेज नहीं मिलता है क्योंकि साउथ की ऑडियंस पहले अपनी ही मूवी को प्रिफरेंस देती हैं। यही चीज़ मैंने गणपत और लियो के क्लैशेस के वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बोला था कि गणपत जो तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम में रिलीज करी जा रही है कसम से कह रहा हूँ कुत्ता ना पूछेगा इस मूवी को वहाँ साउथ में। पर ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर टाइगर श्रॉफ का हेटर हूँ, मैं बिग फैन हूँ बाय गॉड और मैं हिंदी को ही सपोर्ट करूँगा, अपनी मूवी को ही सपोर्ट करूँगा, टाइगर भाई अपने रैम्बो भाई को ही सपोर्ट करूँगा। लेकिन विजय थालापति क्योंकि ये बंदा है ये नेक्स्ट लेवल की फैन फॉलोइंग है इस बंदे के पास। वैसे भी बॉलीवुड की कोई मूवी साउथ में चलती नहीं है ये हम बहुत पहले से देखते आ चुके थे और जवान के टाइम पर क्या हुआ आई डोंट नो बट जवान के टाइम पर यह हुआ कि वहाँ पर अच्छी खासी प्रमोशंस करी गई थी, वहाँ पर बड़े बड़े इवेंट सेट करे गए थे साउथ में, इस वजह से इस बार अच्छा खासा रेस्पॉन्स हमें देखने को मिला है कहां से साउथ से जवान मूवी को। लेकिन अब जो है स्कंदा मूवी आ चुकी है तो अब यहां सर जवान को इतना फुटेज नहीं मिलने वाला है साउथ में। तो यस जवान को सिर्फ 16 लाख ही मिले कल के एंड ऑफ द डे में। खैर बात करते हैं जवान की। जी हां दोस्तों, टोटल नेट इंडियन कलेक्शन कल हुआ है पूरे दिन में कल एंड ऑफ द डे तक 6 करोड़ तक का, ग्रॉस हुआ है 8 करोड़ और ओवरसीज से कल आया है 2 करोड़। पूरी दुनिया से यह मूवी ने कल कमाई करी है अपने 22वें दिन में 10 करोड़ की। देखा जाए तो 10 करोड़ कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है बाय गॉड, क्योंकि फुकरे 3 का कल ओपनिंग डे का कलेक्शन 8 करोड़ रहा है और यह मूवी 22 दिन पुरानी होके भी पूरी दुनिया से 10 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन किया है, 2 करोड़ ज्यादा। अभी भी मतलब इन नई नई ताजी ताजी फिल्मों को बीट डाउन कर रही है जवान। तो यहां से हम देख सकते हैं कि फैन फॉलोइंग और इस मूवी को कितना प्यार मिल रहा है, जबरदस्त मिल रहा है ना। तो वही बात के साथ में फुकरे 3 भी लगी हुई है, दूसरी तरफ वैक्सीन वॉर मूवी लगी हुई है, गदर 2 अभी भी चल रही है और विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली अलग धमाका मचा रही है और कल को ही पैन इंडिया सुपरस्टार राम पुथिनेनी की स्कंदा मूवी भी आई। तो भाई साहब ये सारी मूवी चलने के बाद भी जवान को कोई टस से मस नहीं कर पा रहा है, कोई हिला नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ मेकर्स ने जवान के मेकर्स ने एक माइंड गेम ये खेला है कि एक के साथ एक टिकट फ्री कर दी तो ये बड़ी जबरदस्त काम कराया उन्होंने। खैर जवान को तो अब कोई घाटा नहीं क्योंकि जवान ने जितनी कलेक्शन करनी थी, जवान को जितनी कमाई करनी थी, जितना इसके अंदर पोटेंशियल था उसके बिहाफ पे इसने वो कमाई कर ली है। तो अब यहाँ से कम आंकड़ा भी आता है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं पड़ता। लेकिन ये जो नई ताजी फिल्में आई हैं 3-4 इनकी धज्जियाँ उड़ा देगी जवान बाय गॉड, और वो देख के भी लग रहा है। कहाँ फुकरे 3 को 8 करोड़ का कलेक्शन मिल रहा है, अगर जवान बाय वन गेट वन वाला ऑफर ना देती तो हो सकता था कि इसका 8 करोड़ आता, ज़्यादा ही कलेक्शन आता। इसी के साथ पहले 22 दिन में सिर्फ हिंदी से ये मूवी अब 525 करोड़ के ह्यूज कलेक्शन को अपने खाते में रख चुकी है और हिंदी से ये मूवी कल 22वें दिन में एंड ऑफ द डे तक नंबर 1 पर आ चुकी है। आज तक कोई भी मूवी 525 करोड़ की इतनी बड़ी कलेक्शन हिंदी से कोई कर ही नहीं पाई। पैन इंडिया मूवी की बात कर ले लें, बाहुबली 2 की बात ले लें, 3 दिन पहले ही बाहुबली 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को खदेड़ दिया था, 8 से 7 दिन पहले ही KGF 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को खदेड़ दिया था और गदर 2 जो परसों ही 21वें दिन में जवान के 21वें दिन में हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में नंबर 1 आ चुकी थी पठान को खदेड़ कर, तो पठान का रिकॉर्ड था अभी तक का हाईएस्ट 524.50 करोड़ के आसपास, लेकिन गदर 2 ने उसे बीट डाउन कर दिया कितने से, 524.75 करोड़ से अपने आंकड़े से। लेकिन कल 22वें दिन में जवान ने इस आंकड़े को 525 करोड़ के साथ बीट डाउन किया और शाहरुख खान पठान का सीधा बदला लेते हुए एक दिन की ही ग्लोरी रहने दी बस गदर 2 के हाथ में, एक दिन की खुशी रहने दी और दूसरे दिन ही जवान के साथ शाहरुख खान ने दोबारा से नंबर 1 पर अपना कब्जा जमा लिया हिंदी
हिंदी में लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में। तो अभी तो मूवी चल रही है, अभी तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा, बाय वन गेट वन फ्री ये टिकट देते रहे, तो आगे आने वाले 10 से 15 दिन तक जवान को कोई टस से मस नहीं कर पाएगा। तो ये मूवी अभी कितना कलेक्शन कर सकती है, मेरी नज़र में मिनिमम 550 करोड़ सिर्फ हिंदी से कमा के ले जाएगी, बाय गॉड, और कोई रोक भी नहीं पाएगा। और मे बी हो सकता है इस मूवी को और भी अच्छा फुटेज मिल गया, और भी अच्छा भाव और मिलने लग गए, या फिर और भी ऐसे ऐसे ये ऑफर्स लाने लग गए, तो ये मूवी 575 580 करोड़ भी टच कर जाएगी सिर्फ हिंदी से। भाई साहब मज़ा आ जाएगा, कोई भी इस रिकॉर्ड के पास ना आसपास जाने की सोच भी नहीं पाएगा, इतनी बड़ी कलेक्शन ये सिर्फ हिंदी से कर पाएगी। इसी के साथ मैं बताऊं तो पहले 22 दिन में टोटल नेट इंडियन कलेक्शन ये मूवी 584 करोड़ का कर चुकी है, और ग्रॉस से पहले 22वें दिन में 699 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन को अपने खाते में रख चुकी है, और ओवरसीज से ये पहले 22 दिन में 340 करोड़ के आंकड़े को अपने खाते में ले आई थी। मैं फिर कह रहा हूँ 340 करोड़ का ये सिर्फ ओवरसीज का कलेक्शन है, बाहर की दुनिया का, इंडिया का कलेक्शन है ही नहीं। और यहाँ पर बॉलीवुड की बहुत सी दो तीन मूवी का हम कलेक्शन मान सकते हैं, है ना। अभी फुकरे चल रही है तो फुकरे फर्स्ट और फुकरे सेकंड की भी दोनों के लाइफ टाइम कलेक्शन को मिला दें तब भी ओवरसीज की इस 340 करोड़ के बराबर नहीं पहुँच पाएगी। तो ये बहुत बड़ी कलेक्शन है, हिंदी मूवी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो टोटल पूरी दुनिया से अब हो चुका है कल एंड ऑफ द डे तक 1043 करोड़। भाई साहब ह्यूज कलेक्शन एवर, कोई भी मतलब इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा, सिर्फ टाइगर 3 में वो पोटेंशियल दिख रहा है, और अब डंकी और सलार में तो मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि बिग क्लैश हो रहा है तो वहां पर उन दोनों की कमाई हमें कम ही देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि उनमें पोटेंशियल नहीं है, बहुत पोटेंशियल है, 2000 करोड़ तक की कमाई करने का पोटेंशियल है, 1500 करोड़ कमाई करने का पोटेंशियल है। लेकिन ये जो बिगेस्ट क्लैश हो रहा है ना, यहां पर घाटा उठाना पड़ेगा दोनों ही फिल्मों को। तो अभी जवान का प्रिडिक्शन करते हैं कि लाइफ टाइम कलेक्शन कितना जाएगा। मैं मान के चल रहा हूं कि 1150 करोड़ ये मूवी कमा के ले जाएगी अपने लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, क्या ये मूवी हिंदी से 550 करोड़ टच कर जाएगी लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में ये मूवी क्या 1150 करोड़ टच कर जाएगी। जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।